मंत्री की कुर्सी पर लालू वो नितेश जी चुपक गए। इस कुर्सी पे लगाया फेविकोल, क्या लगाया फेविकोल, और नितेश जी आके इस कुर्सी पे गए चुपक, क्या हुए चुपक गए। अब क्या हो रहा है, नितेश कुमार ने कोई, देखो आप समझो क्योंकि न्यूज वाले क्या करते हैं आप लोगों को समझाते नहीं है, न्यूज वाले खुद ही जानते। नितेश कुमार यहाँ है एंड ही इज अ सीएम एंड ही वॉज सीएम ही इज सीएम आने का हुआ। सुनो अब क्या हुआ कि नितेश कुमार ने, नितेश कुमार की पार्टी क्या है, जेडीयू। तो नितेश कुमार, मुझे जहां तक याद है कि नितेश कुमार जेडीयू में ही था और जेडीयू में ही है, जेडीयू में है कि नहीं है। अब नितेश कुमार ये मान के चलो कि सरकार का राजा है सीएम बिहार में, तो रथ पर बैठा है नितेश कुमार। अब उसने क्या किया है कि रथ का पहिया चेंज कर देता है, कभी कहता है कि यहाँ एमआरएफ का टायर लगा देता है, कभी सीएम का टायर लगा देता है। नितेश कुमार वहीं की वहीं है, गधो, उस पर कोई कानून नहीं बन सकता, वो तो वही है भाई। वो आज जेडीयू में था, जेडीयू में है, वो सीएम था, वो सीएम है, वो अपने इधर वालों को चेंज कर देता है बस, दल बदल उस पर नहीं लग सकता कि वो तो वही है। आपने कभी सोचा इस बात को भाई, नितेश कुमार कहां भी गया है क्या? नितेश कुमार तो वही है, बस क्या करता है कि अपने रथ का पहिया चेंज कर देता है। कभी कहता है बीजेपी आओ, कभी कहता है जहां आरजेडी आओ, कभी कहता है फिर बीजेपी लगाऊंगा, फिर कहता है आरजेडी लगाऊंगा, लेकिन वो आदमी वही की वही है। इस पर कोई कानून नहीं बन सकता, देखो इट्स नॉट अ एंटी डिफेक्शन, एंटी डिफेक्शन नहीं है, क्योंकि वो आदमी तो वही की वही है। वो क्या कर रहा है, अपने आजू बाजू वालों को चेंज कर रहा है, अपने सहयोगी चेंज कर रहा है। आप ऐसे मान के चलो कि ये नीतीश कुमार है, ये तो क्या कर रहा है, कभी जो है इसको कहता आज चुपक मुझसे, कभी कहता है आओ तुम चुपक जाओ इस बार तुम, ठीक है नहीं, तुमने मेरी बात नहीं समझे, ऐसे मत समझो कि तुम, मैं मतलब नीतीश कुमार समझे, देखो सीएम तो वही है ना, ये आदमी जेडीयू से निकला है क्या? नहीं, ये वो जीता छोड़ो, गठबंधन अलग चीज है, मैंने क्या कहा, वो इससे चुपक गया, ऐसे चुपक गया, तो हाथ है उसके दो, वो आदमी का है सर, जनता से, जनता से गठबंधन क्या है, जनता बेवकूफ है तो क्या किया जाए। आप समझो, आप अपने, सुन मेरी बात, आप तुम्हारी पत्नी जो है भाई, आज मैं तुम्हारे सामने आया और मैं तुमसे कहा कि मैंने आज एक कोट पहना, कैसे मुझे बोल दो, अगली बार मैंने शर्ट चेंज कर ली, तो इसका मतलब मुझे वोट गलत हो गया नहीं ना। एक बात समझो, आप कोर्ट के नाम पे वोट मांगेंगे और कोर्ट चेंज करेंगे तो गलत है? नहीं नहीं, तो ये मोरली गलत है, कानून में गलत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जनता को समझना चाहिए, नीतीश कुमार ने जनता के लिए अलग बात है, लेकिन कानूनी रूप से गलत नहीं है, इसलिए बस मैं कानून की बात कर रहा हूँ, जनता की बात कानून रूप से ठीक है, वो जहाँ था वही है, उसने इनको इनको चेंज कर दिया है। और हमारे कंट्री में सो लोकतंत्र में क्या है, लोकतंत्र में बहुमत का शासन है, वोट का नहीं। आपने किसको वोट दिया इसका शासन हमारे कंट्री में नहीं। आपने जिसको वोट दिया इसका शासन नहीं है, लेकिन जो हमारे कंट्री में जिसके पास बहुमत है उसका शासन है। आज आपने देखा कि जेडीयू के पास ज्यादा सीट है आरजेडी के पास, सत्ता में कौन है, सत्ता में कौन है, और सीट किसके पास जाता है, किसके पास? तो लोकतंत्र में बहुमत का शासन है, वोट का नहीं है। अब आरजेडी लिया है बहुमत तो आरजेडी को मिल जाएगा शासन, जेडी लिया तो जेडी को मिल जाएगा बहुमत, तो ये बहुमत का शासन है, किसका शासन है, तो ये बहुमत का शासन है, जिसके पास जितनी सीट है उसका शासन होगा। इसीलिए इन दोनों में मेरे हिसाब से क्या है कि मेरे हिसाब से ऐसा कुछ नहीं है, मीडिया क्या कंफ्यूज करती है, इसके खिलाफ कुछ नहीं हो सकता, जनता इसे हरा सकती है बस। अगला देखो।